हेलो एवरीवन, मैं ममता कुलश्रेष्ठ सर्वप्रथम सभी श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण से धातु रूप तथा उनका प्रयोग कैसे किया जाता है यह समझाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। क्योंकि लकार, पुरुष और वचन पहचानने में सभी विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी होती है, इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए मैं कुछ नियमों का वर्णन कर रही हूँ, जिनकी सहायता से आप किसी भी लकार, पुरुष और वचन को सुगमता से पहचान सकते हैं। जैसे मैं आज भू धातु का उदाहरण दे रही हूँ। भू धातु, भू का अर्थ है होना। धातु किसे कहते हैं? धातु सारी जो क्रियाओं के रूप होते हैं वो धातु कहलाते हैं। अब हमारा प्रश्न उठा, जैसे काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। मैं सबसे पहले इन्हीं तीनों लकारों का उल्लेख कर रही हूँ। जैसे हमारा लंग लकार, सबसे पहले मैं लेती हूँ लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में इसका पास्ट टेंस। इसके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह यहाँ पर पुरुष भी 3 ही होते हैं, सबसे पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके रूप चलते हैं अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, अभवाम। दूसरा काल होता है हमारा वर्तमान काल, जिसको हम क्या कहते हैं, लट लकार। लट लकार का मतलब है प्रेजेंट टेंस। इसके भी जैसे मैंने ऊपर उल्लेख किया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक ऐसे ही यहां पर भी ये आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों के तीनों ही वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मगर ये तीनों पुरुष अलग अलग हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। तीसरा काल हमारा आता है भविष्यत काल, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस, लिरिट लकार, इसको क्या बोलते हैं, लिरिट लकार। इसमें भी ऊपर की तरह ही आएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह दोनों, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में तू या तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। रूप कुछ इस तरह चलते हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको कैसे मिलाना होगा, किसको किससे मैच करना होगा। उसके लिए मैं आपको ये नीचे बता रही हूँ कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है, संस्कृत में जिसके बारे में कोई बात की जाती है, और मध्यम पुरुष में जिससे हम बात करते हैं, और उत्तम पुरुष कहने वाला, कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कोई बात की जाती है वो प्रथम पुरुष। अब हुआ प्रथम पुरुष में सबसे पहले एक वचन में आता है सह,
सह सह में ऐसे लगता है कि अंत में हा का उच्चारण होता है, लेकिन क्या आता है इसमें? विसर्ग। ये दो जो बिंदु हैं इसको हम कहते हैं विसर्ग, और सह का अर्थ है वह है। द्विवचन में तौ, सह तौ ते, तौ का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब, मध्यम पुरुष त्वम, तुम या तू। तू तो हम यूं नहीं लिखते कि हमारी भाषा जो होती है वो तू शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते। त्वम मीन्स तुम, युवा तुम दोनों, यूयम तुम सब, उत्तम पुरुष अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब हमने उदाहरण के लिए लिया अभवत। मैं बेटा उदाहरण दे रही हूं अभवत। अब मैं इसमें क्वेश्चन करूं कि ये कौन से लकार का कौन सा पुरुष तथा कौन सा वचन है। अब आप देखिए कौन सा है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष हमारा कौन सा है ये। अब ध्यान से देखिए कि प्रथम पुरुष ये और प्रथम पुरुष ये। तो मैंने पूछा, अभी मैंने क्वेश्चन किया कि अभवत किस लकार का कौन सा पुरुष है तथा कौन सा वचन। अभवत ये, अभवत ये हमारा प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष का सबसे पहले हम लेंगे लंग लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन है। मेरा क्वेश्चन गृह कार्य के लिए है कि गृह कार्य के लिए मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ जिसमें से आपको लकार, पुरुष और वचन बताने होंगे। जिस तरह मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, जिस तरह मैंने समझाया है, ठीक उसी में से आपको छांट कर बड़ी आसानी से आप इसके आंसर दे सकते हैं। नंबर वन, भविष्यामि, भवसी, अभवत, भवति, भविष्यथा, कथयन्ति, करिष्यथा, मरिष्यता, पठामि और मरिष्यता। ये रिपीट हो गया है इसलिए मैं इसको काट रही हूँ और मैं यहाँ लिख रही हूँ लिखन्ति, लिखन्ति, राइट। उसके बाद हम लेंगे प्रश्न नंबर टू। प्रश्न नंबर टू, लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति की पहचान होती है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, लेकिन हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मगर संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब सबसे पहला हमारा है पुल्लिंग की पहचान। जिन शब्दों के अंत में विसर्ग अर्थात ये दो बिंदु आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण, बालक कहा, हमें हा का सिर्फ उच्चारण होता है लेकिन हा नहीं आता, अंत में शब्द के दो विसर्ग लाइक दिस ये आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टू, ये हमारा नंबर वन। नंबर टू, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है। जैसे बालिका, बालका मीन्स लड़का, इससे हमें पहचान हुई कि यहाँ ये पुल्लिंग है। अब बालिका हमने, यहाँ कोई विसर्ग नहीं है, आ का डंडा है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग। तीसरा हमारा आता है नपुंसक लिंग। जिन शब्दों के अंत में उच्चारण करते समय अम अथवा अंतिम वर्ण में अनुस्वार आए, अनुस्वार मीन्स छोटी सी बिंदी होती है ऊपर, लास्ट का जो वर्ण होता है उसमें छोटी बिंदु लगाते हैं, ये हम हलंत वाला मानी लगाते, वहाँ नपुंसक लिंग होता है। जैसे पत्रम, ये आप देखिए पत्रम, हम इस पत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, पत्र
सूत्र और हमने ये अनुस्वार लगा दिया, राइट, कमलम इत्यादि। ये प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए है। निम्नलिखित शब्दों से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग अलग अलग कीजिए, अर्थात नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटिए। एकम अजा, रक्षा, गृहम एका, सीता, कमलम नरः, जलानाम सिंहा, पोषणम कूपः, लतिका पुत्रा, अम्बा। धन्यवाद।